नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आयुर्वेद। मैं आप लोगों के सामने गाउट आर्थराइटिस, गाउट यानी जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसमें क्या पथ्य है, क्या खाना है। यूरिक एसिड बढ़ने से जो क्रिस्टल बन जाते हैं जॉइंट में, छोटे जोड़े में, और वो इधर उधर मूव करते हैं तो दर्द करता है और चलने में दिक्कत होती है, घुटने में स्वेलिंग हो जाती है। उसी को, उस क्रिस्टल को कम करना है और आराम करना है। और गाउट रोग में यूरिक एसिड जब कम हो जाएगा तो दर्द बंद हो जाएगी। और यूरिक एसिड तो शरीर ही बनाती है, लेकिन जब शरीर उसको दोबारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है तो यूरिक एसिड जॉइंटों में जाके जमने लगता है, जिससे घुटनों की समस्या बढ़ जाती है। तो इसी कड़ी में इसमें क्या खाना है वो आपको हम बताने जा रहा हूँ। देखिए, गाउट में पुराना चावल, पुराना यव खाना है, पुराना चावल खाना है, गेहूं खाना है, तिन्नी का चावल खाना है, साली चावल खाना है, साठी चावल खाना है, बिस्कर पदार्थ को नहीं खाना है, त्रदुष वर्ग की पक्षियों का मांस आहार करना है, जैसे अनूप वर्ग के मांस नहीं खाना है, जैसे पक्षियों का मांस खा सकते हैं, चना, मूंग, मसूर, मोड़ माने मोटे अनाज खा सकते हैं, मकोई, सतावरी, बथुआ और गुडची यानी गिलोय का क्वाथ सुबह पी सकते हैं, गिलोय का क्वाथ पी सकते हैं आप। और इसमें देखिए, मीट मछली या रेड मीट तो नहीं खाना है, लेकिन आयुर्वेद में मांस रस बताया है तो कुछ पक्षियों का बताया है, तो तीतर बटेर उनका मिले लेकिन नहीं मिला, इसलिए मांस मुर्गा मछली और रेड मीट नहीं खाना है दोस्तों, ये सब नहीं खाना है। और जितना अपथ्य चीज़ है वो नहीं खाना है, उसको अभी मैं बता रहा हूँ। अब इसी कड़ी में अपथ्य जिसको नहीं खाना है, जैसे कटु रस, कड़वे रस, जैसे खट्टे रस और चरपरे, तेल मसाला युक्त, ये रस नहीं खाना है। उष्ण, ज़्यादा गर्म भी यूज नहीं करना है। गुरु माने भारी मीट मछली जो आ जाता है उसमें, वो नहीं खाना है। कफ कारक, जिससे कफ बढ़ता हो, ज़्यादा स्निग्ध मिष्ठासन ये सब नहीं करना है, मिष्ठान ये सब नहीं लेना है, बर्गर पिज्जा ये सब नहीं खाना है, भोजन में मांस नहीं खाना है, कुलत नहीं खाना है, निष्पाव नहीं खाना है, क्षार नहीं खाना है, अनूप मांस आ गया। अब देखिए, अनूप मांस जैसे मछली का मांस नहीं खाते, जल में जो विचरण करते हैं उनका मांस नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, दही नहीं खाना है, एवं विरुद्ध आहार, गर्म खा के तुरंत ठंडा नहीं पीना है, ठंडा खा के तुरंत गर्म पानी नहीं पीना है, यह विरुद्ध आहार नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय कुमार गोंड, जय आयुर्वेद।